खबर देहरादून से 2022 में प्रदेश सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां 2022 में प्रदेश सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। केंद्र सरकार जीएसटी में कमी की भरपाई को बंद करेगी। प्रदेश सरकार को जुटाने होंगे करीब 1500 करोड़ रुपए, और 2017 में लागू हुआ था जीएसटी में, केंद्र सरकार ने 5 साल तक जीएसटी में कमी की भरपाई करना स्वीकार किया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें 2022 में प्रदेश सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। केंद्र सरकार जीएसटी में कमी की भरपाई को बंद करेगी। प्रदेश सरकार को जुटाने होंगे करीब 1500 करोड़ रुपए। आपको बता दूं कि जीएसटी 2017 में लागू हुआ था प्रदेश में, और केंद्र सरकार ने 5 साल तक जीएसटी में कमी की भरपाई करना स्वीकार किया था, और 2022 में जीएसटी को लेकर प्रदेश में लग सकता है बड़ा झटका। तो आपको बड़ी खबर बता दें जीएसटी से जुड़ी हुई, प्रदेश सरकार को जुटाने होंगे 1500 करोड़ रुपए। 2017 में जीएसटी प्रदेश में लागू हुआ था, और ऐसे में जीएसटी को लेकर एक बड़ी खबर, 2022 में झटका लग सकता है प्रदेश सरकार को। तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 2017 प्रदेश में जीएसटी लागू हुआ था, और ऐसे में 2022 माना जा रहा है कि प्रदेश में एक बड़ा झटका लग सकता है जीएसटी को लेकर। देहरादून में 2022 में प्रदेश सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। केंद्र सरकार जीएसटी में कमी की भरपाई को बंद करेगी। प्रदेश सरकार को जुटाने होंगे करीब 1500 करोड़ रुपए। माना यह जा रहा है कि इसके तहत 2022 में बड़ा झटका लग सकता है प्रदेश सरकार को। केंद्र सरकार ने 5 साल तक जीएसटी में कमी की भरपाई करना स्वीकार किया है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां जीएसटी को लेकर एक खबर सामने आई है, और देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि जीएसटी को लेकर प्रदेश में एक बड़ी बदलाव देखने को मिलेगी, झटका लग सकता है, क्या कुछ खबर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जीएसटी का एक अपना प्रोसीजर होता है कि पहले तो राज्यों से जो जीएसटी इकट्ठा होता है वो केंद्र पे जाता है, उसके बाद केंद्र सरकार उसमें से 14% या फिर लगभग 1400 करोड़ रुपए वापस करती है। लेकिन ये केवल 5 साल के लिए होता है, और ये 5 साल जो है वो 2022 में उत्तराखंड के खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद सरकार को अपने अपने खुद के संसाधन जुटाने पड़ेंगे। तो जीएसटी की जो केंद्र सरकार से भरपाई है वो केवल 5 साल का ही शुरुआती दौर का वो रखा था, और ऐसे राज्यों के लिए जो उत्तराखंड जैसे राज्य हैं उनके लिए ये एक बड़ा झटका है, और इसके बाद राज्य को अपने संसाधन जुटाने पड़ेंगे। और ये जब जिस समय जीएसटी लागू हो रहा था उसी समय राज्य को साफ कर दिया गया था कि हम केंद्र सरकार जो है जितना भी नुकसान राज्य को हो रहा है उसकी भरपाई केवल 5 साल करेगा। तो यानी ये पहले ही तय था कि लगभग 5 साल में के बाद ये बंद हो जाएगा, और ऐसे में अब राज्य को खुद तय करना होगा कि उनको किस तरीके से ये जो तमाम संसाधन है वो बढ़ाने हैं, और अपने जो जो उनका कर है वो और कितना जो सरकारी खजाना है वो उसको किस तरीके से भरना है। तो अब लगभग 1400 करोड़ रुपए का नुकसान तो राज्य को तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा राज्य के लिए और कोई चारा नहीं है। जी, आपने कहा बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, तो अब ये तो सरकार के सरकार को कोशिश करनी होगी, क्योंकि कर लगाना और कर के तहत आम जनता से इकट्ठा करना वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक संसाधनों की कमी तो साफ तौर पर सरकार को नजर आएगी। लेकिन फिर भी अगर इस बीच सरकार ने अन्य स्रोतों से अगर पैसा इकट्ठा किया, चाहे और जगह कर लगाए या फिर उसके अलावा अपने संसाधन बढ़ा दिए, तो शायद सरकार में झटका कम लगे। लेकिन अगर ऐसा ना किया तो फिर 1500 करोड़ रुपए की कमी तो आप जरूर सरकार को नजर आएगी। जी जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।